तो ये वाइजर आपको रात में काफी दिक्कत दे सकता है। तो जय शंकर महाराज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमाचली थ्रॉटर। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसका पता तो आपने टाइटल और थंबनेल से लगा ही लिया होगा। तो आज मैंने एक हेलमेट ऑर्डर किया था 3 तारीख को, लेकिन डिलीवर हुआ मेरे को 13-14 तारीख को, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी की जो बताई जा रही थी वो थी 27 नवम्बर, तो उससे पहले ही हो गया, 10-12 दिन लग गए इसको आने में। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट से और करता हूँ मैं इसका रिव्यू कि कैसा है यह हेलमेट और कौन सा हेलमेट मैंने मंगाया है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। रहा वो हेलमेट जो मैंने मंगवाया था, स्टील बर्ड का एरोनॉटिक्स SA1 भी बोलते हैं इसको। ये मुझे इसके कलर स्कीम से बहुत ही बढ़िया लगा था और मेरे को एक हेलमेट ऐसा चाहिए था जिसमें यहाँ पे ऐसे स्पॉइलर टाइप भी दिया गया हो और एयर वेंटिलेशन भी काफी ठीक हो और काफी बढ़िया लगे। तो इसमें भी यहाँ पे एक देख सकते हैं आप एयर वेंटिलेशन के लिए, और दो यहाँ पर है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वाइजर इसके साथ यही मिला मेरे को, क्लियर वाइजर भी होता तो और बढ़िया रहता। और इसके अंदर की अगर पैडिंग की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं पैडिंग भी काफ़ी बढ़िया है इसकी, आप देख सकते हैं पैडिंग इसकी अंदर से काफ़ी बढ़िया है इस बजट हेलमेट के लिए। इस हिसाब से इसकी पैडिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ISI का लोगो और यहाँ पर एरोनॉटिक्स की ब्रांडिंग। और ये जो आप पैडिंग देख रहे हैं ये सारी वॉशेबल है, इस वजह से भी मैंने इसे खरीदा क्योंकि मेरे को एक ऐसा हेलमेट चाहिए था वॉशेबल जिसकी पैडिंग, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा लॉन्ग राइड्स आप करेंगे पसीना उतना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी स्मेल भी आ जाती है। तो इसकी वजह से ऐसे वॉशेबल वाली पैडिंग के हेलमेट्स लेने चाहिए ताकि उन पर टाइम टाइम पर हम वॉश भी कर सकें। तो ये था स्टील बर्ड का एरोनॉटिक्स। तो ऐसा ये हेलमेट लगता है पहनने के बाद, आप देख सकते हैं फ्रंट से काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है इसकी। हालांकि ये लार्ज साइज है यानी 60 mm, लेकिन ये भी मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है क्योंकि इसकी पैडिंग अभी नई नई है, टाइम के साथ जब वॉश हो जाएगी ये तो ये भी एकदम बराबर आ जाएगी मेरे हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इस हेलमेट की लुक्स काफ़ी बढ़िया लगी और काफ़ी बढ़िया हेलमेट है। 3000 के सेगमेंट में ISI अगर हेलमेट चाहिए आपको बढ़िया सा तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। और इसी पे मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी यूज़ करने वाला हूँ, अब जो पुराना वाला था वो अब नहीं करूँगा, यहाँ पे GoPro वाला जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप होता है वो मैं इस पे सेटअप कर दूंगा सारा। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही जल्द हम वो वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो ये था इस हेलमेट से रिलेटेड हमारे कुछ व्यूज़, होप्सो आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और ये जो आप वाइज़र देख रहे हैं इसके साथ, ये जो है तो ये वाइज़र, तो ये वाइज़र आपको रात में काफ़ी दिक्कत दे सकता है, तो इसलिए आपको इसके साथ एक प्लेन वाइज़र भी लेना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट 400 के अराउंड बता रहे थे, तो सिर्फ इसकी 400 कॉस्ट है क्लीन यानी क्लियर वाइज़र में। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि एक ले लूँ, एक ये और कोई अगर कोई और पसंद आ गया किसी कलर में तो वो भी ले लेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होप्स आपको व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इस हेलमेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ID शो हो रही होगी। और अगर आपकी किसी मेरे और व्लॉग से रिलेटेड कोई क्वेरी या किसी बाइक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM ज़रूर करें। तो ठीक है, आप सब रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय शंकर महाराज।